सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हम सभी को पता है कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, हम सब ने वेट किया Xiaomi Redmi Note 9 सीरीज के लिए। और दोस्तों फाइनली Redmi लॉन्च करने जा रहा है Redmi Note 9 सीरीज को नेक्स्ट वीक, मतलब मार्च 12th को लॉन्च होने जा रहा है Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के जरिए ऑफिशियल Redmi इंडिया का जो ट्विटर पेज है उसके जरिए और उसके साथ हमारे Xiaomi इंडिया का हेड मनु कुमार जैन के ट्विटर से हमें काफ़ी सारे टीजर्स और लीक्स पता चल गया है अपकमिंग Redmi Note 9 या फिर Redmi Note 9 Pro के बारे में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपकमिंग Redmi Note 9 Pro के लिए लॉन्च हो रहा है मार्च 12th को, पर उसके साथ हमें और क्या क्या नए चीज़ें देखने को मिल जाता है वो हम देख लेंगे आज इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टीजर फोटो को देख लेंगे जो हमें मिला है Redmi इंडिया की ट्विटर पेज से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो को, यहाँ पर हमें नंबर 9 दिखाई दे रहा है और उसके साथ 9 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हमें 4 कैमरास देखने को मिल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि पीछे के साइड हमें देखने को मिल जाएगा 4 कैमरास। जी हाँ दोस्तों, क्वाड कैमरा सेटअप हमें Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यही सेम फोटो हमें Amazon की पेज से भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, Amazon इंडिया के पेज में कल दोपहर को ये फोटो हमें देखने को मिल गया था, जिसका मतलब है Amazon के थ्रू सेल होने जा रहा है Redmi Note 9 और Note 9 Pro। और दोस्तों अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हैशटैग प्रो कैमरास मैक्स परफॉर्मेंस। और दोस्तों उसके साथ हम देख पा रहे हैं कि Xiaomi का जो चार्जिंग एनिमेशन है वो हमें नंबर 9 से सराउंडिंग देखने को मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि इस फोन का जो चार्जिंग होगा वो भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और दोस्तों अगर हम फिर से फोटो को देखते हैं तो दोस्तों अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर 9 नहीं बल्कि 90 दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि इस फोन में हमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो कैमरा सेटअप हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसे अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर के साइड जो डुअल कैमरास है उसे काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने के साइड हमें मिल जाएगा डुअल पंच होल डिस्प्ले। और दोस्तों उसके साथ मनु कुमार जैन की ट्विटर पेज में हमें एक टीजर फोटो देखने को मिला है जहां पर हम देख सकते हैं कि मनु Redmi K20 Pro यूज कर रहा है, पर दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप टेबल पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें Redmi Note 9 Pro दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्पीकर ग्रिल्स, हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट इस फोन में हमें देखने को मिल जाएगा। नाउ दोस्तों चलते हैं Mi.com में। तो यहाँ से हमें कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा Redmi Note 9 सीरीज के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम डिजाइन देख सकते हैं वही सेम डिजाइन जो हमने मनु कुमार की पोस्ट में देखा था। तो इसका मतलब है इस फोन में हमें ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस फोन में हमें देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 720G CPU, क्योंकि मनु कुमार जैन ने कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था कि Xiaomi की तरफ से हमें एक हाई एंड फोन देखने को मिल जाएगा जिसमें स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर हमें मिलने वाला है। तो यहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि Redmi Note 9 या फिर Note 9 Pro में हमें स्नैपड्रैगन 720G मिल सकता है। पर दोस्तों यहां पर जो सबसे एक्साइटिंग चीज है वो है एक वीडियो जो Xiaomi ने रिलीज किया है। जी हां दोस्तों, Xiaomi ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है जहां पर उन्होंने प्रीवियस Redmi Note सीरीज फोन्स जैसे Redmi Note 4, Note 5 इन सारे फोन्स की हिस्ट्री बताया है। जी हां दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, लेगेसी विल कंटिन्यू विद द न्यू Redmi Note सीरीज। और दोस्तों यहां पर नवंबर 2014 में रिलीज हुआ था Redmi Note 4G जो इंडिया का फर्स्ट 4G एंड्रॉइड फोन था अंडर 10,000 रुपीज। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि अगर लेगेसी कंटिन्यू करता है तो इस बार Xiaomi Redmi Note 9 सीरीज फोन में हमें देखने को मिल जाएगा 5G कनेक्टिविटी। जी हां दोस्तों, काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार हमें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा अंडर अफोर्डेबल प्राइस रेंज। अगर हम कंपेयर करें दूसरे फोन्स के साथ जो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है 5G कनेक्शन के साथ, जैसे Realme X50 Pro 5G और IQ3, तो अगर हम इन दोनों फोन से कंपेयर करते तो हम प्रीटी श्योर कि Redmi Note 9 सीरीज काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आ जाएगा और उसके साथ हमें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यही था सारा इन्फॉर्मेशन अपकमिंग Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro के बारे में। लॉन्च हो रहा है 12th मार्च को और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत
बहुत लोग जो वेट कर रहे थे Realme 6 और Realme 6 Pro के लॉन्च के लिए, आप में से बहुत ही लोग और थोड़ा वेट कर जाएंगे Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro के लिए। पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप क्या करेंगे, Realme 6, Realme 6 Pro को लेंगे या फिर थोड़ा वेट कर जाएंगे Redmi Note 9 या फिर Redmi Note 9 Pro के लॉन्च के लिए। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।